नमस्कार, मेरा नाम है सरिता। एसएमडीज ना सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है राजेश कुमार जी, जो कि बौद्ध धर्म की बातों को बड़े अच्छे से समझाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कहते हैं लोग बौद्ध के धर्म में, कहते हैं लोग गौतम बुद्ध के शरण में जाते हैं तो उनके सारे दुखों का निवारण होता है, ऐसा कैसे? सबसे पहले तो आज जो एक शुभ दिन है, अब आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती है और उस उपलक्ष्य में आज सभी को मैं बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं आप सभी को। और गौतम बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, वो हमारे मार्गदाता हैं और इंडिया क्या, उनको भारत क्या, पूरे विश्व में उनको विश्व विभूति हैं, उनको पूरा विश्व जानता है। अब एक सवाल उठता है कि इंडिया में, हमारे भारत में वो बुद्ध धर्म पैदा हुआ और बुद्ध हमारे भारत में पैदा हुए, लेकिन बुद्ध और बुद्ध धर्म को यहाँ भारत में बहुत कम लोग मानते हैं, जबकि विदेशों में चीन, जापान, ताइवान, मलेशिया और हांगकांग और जितने भी बहुत सारे करीब लगभग पूरे 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में जो बुद्ध के मार्ग पर या बुद्ध के ज्ञान को मान रही हैं और उनको चल रही हैं। और जापान एक ऐसा देश है जो पूरा बुद्ध में है और आज विकसित है और भारत से ज़्यादा संपन्न है और खुशहाल है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, बुद्ध के ज्ञान को अपनाया, बुद्ध के मार्ग को अपनाया है। और वहीं हम भारत की बात करें तो षड्यंत्र के तहत बुद्ध धर्म को, बुद्ध की थ्योरी को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया इस ब्राह्मणवाद ने। तो अब उसको, ये हमारी ड्यूटी है कि हम बुद्ध धर्म को सभी जन जन तक पहुँचाएँ और उनकी शिक्षाओं को बताएँ, तभी हम भारत को फिर से बुद्धमय कर पाएंगे। क्योंकि इसमें व्यवस्था में तो थोड़ी कमी है ही, क्योंकि व्यवस्था, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो शोषक की है और वो नहीं चाहते कि बुद्ध धर्म या बुद्ध का ज्ञान भारत में फैले। तो ये हम बुद्धिजीवियों का ही फर्ज बनता है कि खुद पढ़ें और बाकी सबको समझाएं कि बुद्ध का मार्ग ही आखिर अंततः कल्याणकारी है, जो बाकी और जो भी और अन्य चीज़ें हैं वो कभी भी मानव के लिए कल्याणकारी नहीं रही हैं। क्योंकि भारत में 33 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं, टाइम टू टाइम अवतार लिया और चले गए, लेकिन कभी भी वो भारत का कल्याण नहीं कर पाए। और आज देखेंगे, आज पूरे देश में भुखमरी और बीमारी और शोषण बहुत ज़्यादा है। तो अगर बुद्ध धर्म अगर उससे कल्याण होना होता तो कब का हो गया होता। अगर वास्तव में भारत को एक कल्याणकारी राष्ट्र बनाना है, जन जन का उद्धार करना है, तो बुद्ध धर्म को हमें लाना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। असम न्यूज़ से बात करने के लिए राजेश जी का शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।